जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग का एक कमेंट मैं डेली पिक करूंगा और जो आप लोगों के कॉमन डाउट होंगे वो कॉमन डाउट पे हम जरूर बात करेंगे, ठीक है। वो कॉमन डाउट पे हम जरूर बात करेंगे क्योंकि वो सिर्फ आपके नहीं कई सारे बच्चों के डाउट हो सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर एक बात लिखा है कि सर मैंने नई नई तैयारी शुरू की है, मैं मैथ्स और इंग्लिश रीजनिंग पढ़ रहा हूँ कि मुझे इसके साथ साथ जीएस भी लेकर चलाना चाहिए। सीनियर से पूछे तो बोलते हैं हाँ करो, लेकिन सिर्फ ठीक है यहाँ पर इन लोग का सिलेबस इतना है कि टाइम ही नहीं मिलता है। आप ही बताइए प्लीज अपने इनिशियल एज में आपने कैसे प्रिपरेशन की थी। और ये एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, सिर्फ इनका नहीं कई सारे बच्चों का होता है कि सर अभी तो हम नए नए तैयारी में आए हैं और नए नए तैयारी में हम चारों सब्जेक्ट को ले ले। तो देखो जब भी आप नए नए तैयारी में आते हो ना तो इस बात को ध्यान रखना आप सारे सब्जेक्ट को एक साथ कैरी नहीं कर सकते। जैसे बचपन में भी अगर आपने देखा होगा ना आपने अपने जीवन लाइफ में, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले दिन से चावल दाल नमक अचार सब खाना शुरू कर दिया होगा। पहले आपको थोड़ा 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 पानी से आदत लगाया जाता है, फिर दूध से आदत लगाया जाता है, फिर तब आपका एक अनराशन होता है, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अन्न आपको खिलाया जाता है ताकि कम से कम आपका पेट उसको सह सके। उसी तरीके से ये भी है कि अगर आप पहले ही चारों सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन भी हजार होंगे और आपका समय भी बहुत चला जाएगा और आपको लगेगा कि पूरे दिन में हमें कुछ भी नहीं हो रहा है। रीज़न बताते हैं, जब आप शुरू शुरू में तैयारी करते हैं ना तो हम आपको बता रहे हैं कि एकदम जो प्रिपरेशन एकदम स्टार्टिंग में क्या होता है आपके साथ। स्टार्टिंग में अगर आप बात करें, मानिए अगर कोई बच्चा कहीं से कोचिंग ले रहा है तो उसको कम से कम मैथ के कोचिंग में 2 घंटा लगता है, इंग्लिश के कोचिंग में उसको 2 घंटा लगता है, रीजनिंग के कोचिंग में मानो 1 से 2 घंटा लग ही जाता है, 2 घंटा भी लेके चलते हैं, उसके 6 घंटे तो यहाँ पर मेरे भाई कोचिंग में ही चले गए। इसके अलावा यदि वो रिविजन करता है ना तो उस रिविजन में भी कम से कम अगर मैं बोलूँ कि हर सब्जेक्ट के लिए वो 1-1 घंटा निकाले रिविजन के लिए तो 3 घंटा तो उसको लग ही जाएगा, यानी सिर्फ पढ़कर रिवाइज करने में 9 घंटा। और 9 से 10 घंटे से ज़्यादा जनरली बच्चे पढ़ते हैं नहीं, अगर उससे ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो या तो कुछ नया पढ़ेंगे नहीं तो रिवाइज करेंगे। तो मेरा मानना यहाँ पर है कि जब आप स्टार्टिंग फेज में होते हैं ना तो स्टार्टिंग फेज में क्या किया करिए कि सिर्फ आपके जो टीचर ने पढ़ाया है आप उसको रिवाइज करिए, आप उनसे पढ़िए और आप उसको रिवाइज करिए। जीएस को इंक्लूड अभी शुरू में मत किया करिए। जब आपका थोड़ा थोड़ा लेवल आपका बढ़ने लगेगा ना, जब आपका सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीट होने लगेगा, उसके बाद क्या होगा कि आपका ये जो कोचिंग वाला समय है ना ये कटकर निकल जाएगा और आपको कोचिंग तो लेनी पड़नी चाहिए। फिर उसके बाद जो समय बचेगा उसको किस में आप यूटिलाइज कर पाएंगे, उस समय को आप यूटिलाइज कर पाएंगे पूरी तरीके से अपने रिविजन में। फिर उसके बाद का आपका शेड्यूल क्या होगा पता है, आफ्टर आपके बाद में शेड्यूल जो बनेगा वो ऐसा बनेगा कि आप 2 घंटा मैथ को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, या आप ऐसे कह लीजिए कि सर 1 घंटा मैथ रिवाइज, 1 घंटा रीजनिंग रिवाइज, 1 घंटा जीएस या आपका इंग्लिश हो गया। और रिविजन के अलावा अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हैं तो बेशक आप उसको 4 घंटा भी दे दें, तब भी इन सबको मिलाकर आपके सिर्फ 6 घंटे होंगे या 7 घंटे होंगे और बाकी समय में आप चाहे तो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, कुछ लगा सकते हैं। तो शुरू में अपने दिमाग को जितना ईजी रख सकते हैं उतना रखा करिए, शुरू में जितना जो है कम बर्डन रखेंगे उतना बेहतर है, ठीक है। आप शुरू में बस इस तरीके से अपने शेड्यूल्स को फॉलो किया करिए। इसके अलावा इसी तरीके से किसी और के भी कोई भी डाउट होते हैं तो आपका बड़ा भाई यहाँ पर है, आप आराम से वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, हम आपको जरूर बताएंगे कि आपको क्या। यार देखो वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर किया करो यार, आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की और अच्छा करने की और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की, और साथ में वीडियो को हर जगह पर शेयर भी किया करो।